मेहनत का। धूम के लिए जॉन अब्राहम नहीं थे पहली पसंद। बॉलीवुड के इन दो सुपरस्टार को यश राज ने पहले ऑफर की थी ये फिल्म। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। धूम मूवी बॉलीवुड की एक सुपरहिट फ्रेंचाइजी है जो अपने स्टाइल और शानदार बाइक के लिए जानी जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि बॉलीवुड के दो सुपरस्टार को जॉन अब्राहम वाला किरदार पहले ही ऑफर हो चुका था। बॉलीवुड की बहुत ही कम फिल्में ऐसी हैं जो अपने स्टाइल और बाइक्स के लिए पहचानी जाती है। जब एक्शन स्टाइल और बाइक्स की बात आती है तो जहन में सबसे पहले धूम का नाम कौनता है। 2004 में रिलीज हुई धूम फिल्म में अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, जॉन अब्राहम, ईशा देओल और सिमी सेन लीड रोल में नजर आए, जबकि फिल्म को संजय गढ़वी ने डायरेक्ट किया था। धूम का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी कमाल का रहा था। 11 करोड़ के रुपए में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। धूम का म्यूजिक भी काफ़ी पसंद किया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जॉन अब्राहम वाला रोल पहले बॉलीवुड के दो सुपरस्टार को ये ऑफर हुई थी, क्या आप लोग जानते हैं? यदि जानते हैं तो कमेंट करके इस वीडियो के नीचे जरूर बताएं। धूम में जॉन अब्राहम से पहले दो सुपरस्टार को अप्रोच किया गया था। बताया जाता है कि इस रोल के लिए पहले सलमान खान को अप्रोच किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने हाथ खींच लिया था। फिर संजय दत्त को भी इस रोल के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया था। इस तरह ये रोल जॉन अब्राहम को मिला और एक यादगार किरदार हिंदी सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो गया। उनका स्टाइल और स्वैग दर्शकों को खूब पसंद आया। फिर बाइक्स को लेकर उनका प्यार तो जागृत ही था। जॉन अब्राहम की यश राज के साथ पहली फिल्म थी और उसके बाद ऐसा सफर शुरू हुआ कि वो पठान तक का सफर तय कर चुका है। धूम फ्रेंचाइजी की अभी तक 3 फिल्में बन चुकी है। धूम फिल्मों की खासियत उनके विलन रहे हैं। पहले पार्ट में जहाँ जॉन अब्राहम थे, तो 2006 में आई धूम 2 में ऋतिक रोशन नजर आए थे और उनके साथ ऐश्वर्या राय बच्चन भी नजर आई थी। ये फिल्म अभी हिट रही थी। इसके बाद 2013 में धूम 3 आई तो इसमें आमिर खान और कैटरीना कैफ नजर आए। इस फिल्म को भी पसंद किया गया। इस तरह तीनों ही फिल्मों को खूब पसंद किया गया। दोस्तों, इन तीनों फिल्मों में से आपका फेवरेट फिल्म कौन सा है या कौन सा एक्टर है, हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताएं। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले, धन्यवाद।